हेलो दोस्तों, देखिए कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पर आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम और ऑफ। तो अब ये देखना है ये दो सेंटेंसेस अलग हैं, ये दो सेंटेंसेस अलग हैं, यानी इनमें से किसी दो में फ्रॉम आएगा और किसी दो में ऑफ आएगा। तो किस में फ्रॉम आएगा, किस में ऑफ आएगा और क्यों फ्रॉम आएगा और क्यों ऑफ आएगा, ये आज की हमारे इस क्लास का महत्वपूर्ण बिंदु है। लगभग चारों सेंटेंसेस एक समान ही नजर आ रहे हैं। बटर इज मैड मिल्क, यानी कि जो बटर मक्खन होता है वो दूध से बनता है। वाइन इज मैड, ये ब्लैंक है। ग्रेप्स, शराब अंगूरों से बनती है। मक्खन दूध से बनता है, शराब अंगूरों से बनती है। दूसरी तरफ दिस चेयर इज मेड वुड, यानी कि ये कुर्सी लकड़ी से बनी है। और माई कैप इज मेड वुल, वुल माने ऊन, यानी कि मेरी जो कैप है, मेरी जो टोपी है, ये ऊन से बनी है। देखिए, मक्खन दूध से बनता है, शराब अंगूरों से बनती है, मेरी कुर्सी या मेरी टोपी ऊन से बनी है और ये कुर्सी लकड़ी से बनी है। लगभग चारों सेंटेंसेस एक समान है। तो आज की हमारी क्लास में हमको देखना है कि फ्रॉम और ऑफ कहाँ आएगा। आपके पास कुछ सेकंड है, अब तक आप देख लिया होगा, आपने अनुमान लगाया होगा कि किस में क्या आएगा। तो आप देखिए किस में क्या आएगा आपके हिसाब से। अब चलिए मैं आपको कुछ रूल्स के तहत यहां कोई बात बताता हूं। देखिए, आप लगाइए अनुमान, या फ्रॉम है बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क या फिर बटर इज मेड ऑफ मिल्क। दोस्तों यहां आएगा फ्रॉम, यहां आएगा फ्रॉम, वो क्यों? वो इसीलिए रूल कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से, किसी अन्य वस्तु से बने, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से बने और बनने के बाद उसमें उसका रूप दिखाई न दे, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से बने और बनने के बाद उसमें उसका रूप दिखाई न दे, तो ऐसी सूरत में आता है फ्रॉम। देखिए ना आप, जो मक्खन होता है, बटर होता है, वो दूध से बनता है। मक्खन दूध से बनता है, लेकिन जब दूध मक्खन में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, तो क्या मक्खन में दूध नजर आता है? नहीं ना। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी चीज से, दूसरी वस्तु से बने और बनने के बाद उसमें उसका रूप जिससे कि वो बनी है नजर न आए, तो आपको फ्रॉम लगाना है। इसी तरह वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, शराब अंगूरों से बनती है। आपने शराब नहीं पी होगी, लेकिन आप जानते हैं कि शराब में कोई अंगूर थोड़े ना नजर आते हैं, अंगूरों से बनती है, फलों के रस से बनती है, लेकिन उसमें कोई फल या अंगूर या अनाज तो नजर नहीं आता, वो तो लिक्विड में तब्दील हो जाती है। तो फिर तो अंगूर नजर नहीं आते, अंगूर से बनती है, फिर भी उसमें अंगूर नजर नहीं आते, यानी जिससे बनी है वो रूप उसमें नजर न आए, तो ऐसी सूरत में फ्रॉम लगता है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बने और बनने के बाद उसमें उसका रूप नजर आए, यानी कि जिससे कि वो बनी है, जिससे वो बनी है वो चीज उसमें नजर आए, तो यह कुर्सी लकड़ी से बनी है। एक कुर्सी है, लकड़ी की कुर्सी है, पहले उसका रूप कुछ और था, कारपेंटर ने उसे बढ़ई ने उसको गढ़ के एक नया रूप दे दिया, कुर्सी का आकार दे दिया, लेकिन बन जाने के बाद भी तो उसमें लकड़ी नजर आ रही है ना। तो फिर जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बने और बनने के बाद उसमें उसका रूप नजर आए, तो लगाया जाता है ऑफ। समझ रहे हैं दोस्तों? मेरी टोपी माई कैप इज मेड ऊन से बनी है, तो मेड ऑफ वूल, ऊन से बनी है तो ऊन नजर आ रही है।
माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, मेरे जूते लेदर चमड़े से बने, तो चमड़े नजर आ रहे हैं ना, उसमें चमड़ा नजर आ रहा है। अगर कपड़े के हैं तो कपड़ा नजर आ रहा है, तो ऑब लगाएंगे। यानी जब सीधा इसका फॉर्मूला यह है कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से बने और बनने के बाद उसमें उसका रूप नजर ना आए, जिससे वो बनी है वो उसमें नजर ना आए, जैसे मक्खन में या दही में दूध नजर नहीं आता जबकि वो बनते दूध से हैं, तो रूप नजर ना आए तो आपको लगाना है फ्रॉम। और जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से बने और उसमें उसका रूप नजर आए तो ऑफ। क्या समझे दोस्तों? जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से बने, जैसे दही मक्खन दूध से बनता है लेकिन उसमें वो नजर नहीं आता, तो फ्रॉम लगाएंगे। और जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से बने और उसमें उसका रूप नजर आए, जैसे कुर्सी लकड़ी से बनती है उसमें लकड़ी नजर आती है बन जाने के बाद भी, तो फिर ऑव आएगा। दोस्तों ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आप इसे सीखिए।